हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू चैन पढ़ाई विद आर के। चलो पढ़ते हैं चप्पड़ फाड़ के। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मदर्स डे, और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है J.B. प्रिस्टली। ओके, तो चलिए इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है मिसेस एनी पियर्सन, और ये चैप्टर बेसिकली मिसेस पियर्सन के बारे में है, जो कि एक हाउसवाइफ है एज़ वेल एज़ वो एक मदर है, और वो पूरा दिन घर का काम करती रहती हैं। मतलब कि उनका पूरा दिन घर का काम करते हुए बीत जाता है, एंड फैमिली मेम्बर्स की जो भी नीड होती है, जो भी उनको चाहिए होता है, वो सब वो पूरा करती है। मतलब उनकी सारी की सारी डिमांड्स वो पूरी करती हैं, लेकिन तब भी वो कहीं ना कहीं अपसेट होती हैं कि जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। ओके, सेकंड जो कैरेक्टर है वो है जॉर्ज पियर्सन, जो कि एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं, और वो सेल्फ इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो खुद को ही इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंस नहीं देते। और वो एक क्लब में जाते हैं ड्रिंक करने के लिए, और उस क्लब में उनका बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है, बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा ही मोटे हैं और उनका जो पेट है वो बहुत ही निकला हुआ रहता है। ओके, थर्ड कैरेक्टर है डॉरिस पियर्सन, जो कि एनी पियर्सन और जॉर्ज पियर्सन की बेटी है, और वो अराउंड 20 ईयर्स की है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उसका अफेयर है, उसका नाम है चार्ली स्पेंस। ओके, फोर्थ कैरेक्टर है सिरिल, जो कि जॉर्ज पियर्सन और एनी पियर्सन के बेटे हैं, और वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है। ओके, एंड फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो है मिसेस फिट्ज़रलैंड, जो कि एनी पियर्सन की नेबर है, और वो एक बोल्ड टैलेंटेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, और एज वेल एज वो एक मैजिशियन है, और वो फॉर्चून टेलर है, यानी कि भविष्य वगैरह बताती हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मिसेस पियर्सन है वो दिन से लेकर रात तक काम करती रहती हैं, अपने फैमिलीज के नीड्स डिमांड्स को फुलफ़िल करती हैं, पर इसके बावजूद भी उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता, उनकी कोई केयर नहीं करता, उनको अपनी फैमिली में अटेंशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट रहती हैं। ओके, तो वो जो 40s की थी, तो वो अपने हक के लिए खड़ी हुई थी, अपने राइट्स के लिए वो खड़ी हुई थी, और जब उन्होंने ऐसा किया था तब उनके फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो चाहती है कि उन्हें अपने फैमिली से थोड़ी बहुत केयर मिले, रिस्पेक्ट मिले जो वो काम करती हैं, बट उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, मतलब कि उनके लाइक्स डिसलाइक्स का किसी को ध्यान ही नहीं रहता, ना वो अपने मदर को या अपने वाइफ को पूछते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती हैं जिस तरह से उन्हें ट्रीट मिलता है। बट इन सब चीज़ों के बाद भी वो किसी से कंप्लेन नहीं करती कि तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, मतलब कोई भी कंप्लेन नहीं करती अपने फैमिली से, बस वो अपने काम में लगी रहती हैं। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं चाहती हैं कि उनको अपने फैमिली से थोड़ी बहुत अटेंशन मिले और रिस्पेक्ट मिले। तो एक दिन क्या होता है कि शी वेंट्स टू हर नेबर, वो अपने नेबर के पास जाती हैं जिनका नाम है मिसेस पिज़रलैंड, और वो एक फॉर्चून टेलर हैं, यानी कि भविष्य वगैरह बताती हैं, और वो एक मैजिशियन होती हैं। तो जो मिसेस पिज़रलैंड होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की होती हैं, जबकि जो मिसेस पियर्सन हैं वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर की हैं। तो जो मिसेस पिज़रलैंड होती हैं वो मिसेस पियर्सन से पूछती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही अपसेट लग रही हो, क्या रीज़न है, वो उनसे रीज़न पूछती हैं बार बार, पर फिर भी मिसेस पियर्सन कुछ नहीं बताती। तो मिसेस पिज़रलैंड उन्हें फोर्स करती हैं बताने के लिए, तो फाइनली वो बताती हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए इतना करती हूँ, पर कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, ना ही कोई अटेंशन देते हैं। तो मिसेस पिज़रलैंड उनको बताती हैं, उनसे कहती हैं कि तुम ऐसा करो कि मैं एक मैजिशियन हूँ, तो हम दोनों अपनी अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं, यानी कि जो मिसेस पियर्सन हैं वो मिसेस पिज़रलैंड बन जाएंगी, और जो मिसेस पिज़रलैंड है वो मिसेस पियर्सन बन जाएंगी। एंड जब मिसेस पिज़रलैंड मिसेस पियर्सन के भेस में आ जाएंगी, तो वो उनके फैमिली को एक लेसन देंगी
जिससे वो मिसेस पियर्सन को सारे के सारे रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। तो मिसेस स्विट्जरलैंड ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उनका मानना है कि जो मिसेस पियर्सन हैं वो तो सॉफ्ट नेचर की हैं एंड वो ये काम कर ही नहीं सकती। तो मिसेस स्विट्जरलैंड चाहती हैं कि वो यानी कि मिसेस स्विट्जरलैंड मिसेस पियर्सन बन जाएं। तो मिसेस पियर्सन ये बात मान लेती है कि ठीक है, इस आइडिया पर हम काम कर सकते हैं और ये प्लान भी ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेचैन सी हो जाती हैं कि ऐसा करना ठीक होगा कि नहीं। और वो बार बार मिसेस स्विट्जरलैंड से पूछती हैं कि क्या उन्हें उनकी बॉडी वापस मिल जाएगी ना, यानी कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मिसेस स्विट्जरलैंड उनसे कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो एंड मुझे पता है कि इस मैटर को कैसे हैंडल करना है एंड मैं तुम्हारी फैमिली को ये चीज़ अच्छे से समझा दूंगी कि वो तुम्हें कैसे ट्रीट करें, ठीक है। उसके बाद मिसेस स्विट्जरलैंड एक मंत्र पढ़ती हैं और वो दोनों अपने भेष बदल लेते हैं। भेष बदलने के बाद क्या होता है कि मिसेस स्विट्जरलैंड जो है वो बन गई है मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस स्विट्जरलैंड जाती हैं अपने घर पे और वहाँ पे वो ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे उनकी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। तो एक्चुअली में जो वो मिसेस स्विट्जरलैंड ही होती है मिसेस पियर्सन के भेष में, तो वो बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करती हैं जैसे कि वो स्मोकिंग करने लगती हैं। जब मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस स्विट्जरलैंड, प्लीज़ रिमेंबर ओके, जब मिसेस पियर्सन यानी कि जब मिसेस स्विट्जरलैंड स्मोकिंग कर रही होती हैं, तभी कुछ सेकंड्स बाद डोरिस पियर्सन यानी कि जो उनकी डॉटर होती है वो उनके सामने आ जाती है और कहती है, मैंने आपको बोला था मेरे लिए चाय बनाने के लिए और मेरी ड्रेस तैयार रखने के लिए। मतलब कि जो डोरिस पियर्सन की जो येल्लो कलर की सिल्क की ड्रेस है उसको उन्होंने आयरन करने को बोला था। तो मिसेस पियर्सन जो होती है वो कहती है, मैं तुम्हारी कोई सर्वेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदर हूँ और तुमको ये काम करना है तो तुम खुद ही कर लो। तो इस पर जो डोरिस पियर्सन होती है वो कंप्लेन करने लग जाती है कि पहले तो आपने बोला था कि आप कर देंगी, अब आपको करना भी नहीं है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ बाहर जाना है, अब मैं क्या पहन कर जाऊँ, आपने तो कुछ रेडी भी नहीं किया है। तो जो मिसेस पियर्सन होती है यानी कि मिसेस स्विट्जरलैंड वो बोलती हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया में वही लड़का मिला जिसके दांत इतने ज़्यादा बाहर आ रखे हैं, और वो चार्ली का मजाक उड़ा देती हैं जिससे जो डोरिस होती है वो बहुत ज़्यादा ही अंदर से टूट जाती है और वो रोने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे क्या होता है कि मिसेस पियर्सन के अगले शिकार होते हैं उनके बेटे जिनका नाम है सिरिल पियर्सन। वो भी बहुत ज़्यादा अम्यूज्ड हो जाते हैं कि उनके मदर को क्या हो गया है, अचानक वो इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रही हैं। तो सिरिल भी सोचने लग जाते हैं कि आज तो ना तो मम्मी ने चाय बनाई और ना ही उनके ड्रेस को मेंड किया। तो वो पूछने लग जाते हैं कि आपने मेरे ड्रेस को मेंड क्यों नहीं किया। तो वो कहती हैं कि अगर तुम्हें करना है तो तुम खुद ही जाके कर लो, मैं तो नहीं करने वाली हूँ। एक और इंसिडेंट बताते हैं राइटर हमें कि जब वो सिरिल पियर्सन से बात कर रही होती हैं यानी कि जो मिसेस पियर्सन है वो जब सिरिल पियर्सन से बात कर रही होती हैं तब डोरिस पियर्सन उनके सामने से पास आउट हो रही थी और उन्होंने मेकअप कर रखा था अपने मुँह पर। तो क्योंकि वो रो रही थी तो उनका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इस पर मदर ने उनको और चिढ़ा दिया और कहा कि तुम तो एकदम भयंकर लग रही हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो वो और रो रो के चली जाती हैं। उसके बाद जो उनकी मदर होती है वो स्राउट लेने चली जाती हैं। तो जब वो चली जाती हैं तब उनके पीछे से सिरिल और डोरिस बातें करने लग जाते हैं कि क्या हो गया है उनकी मदर को, वो इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रही हैं। तो वो ये सब बातें कर रहे होते हैं। जब उनकी मदर स्ट्राउट लेकर आ जाती हैं और वो पीने लगती हैं तब वो दोनों हंसने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि आजकल आप हमसे इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रही हैं, क्या हमसे कोई गलती हुई है। तो इस पर जो मदर होती है वो कहती हैं कि हाँ तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते तुम लोग। और भी बहुत सारी कंप्लेन करती हैं मिसेस पियर्सन अपने बच्चों को कि तुम तो मेरे साथ कितना बैड बिहेवियर करते हो,
तुम मुझे पूछते ही नहीं हो और ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। मैं तो पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ और तुम्हें तो हफ्ते में बस 5 दिन काम करना होता है और 2 दिन तुम्हारा छुट्टी का होता है, और मैं तो पूरा हफ्ता काम करती रहती हूँ, मुझे तो कोई वीकेंड नहीं मिलता। तुम तो घूमते रहते हो, कोई काम नहीं करते, एंड तुम्हारा सारा काम मैं करती हूँ, एंड फिर भी मुझे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती। एंड मिसेस पियर्सन ये सब बोलकर अपने बच्चों को रियलाइज करवा रही होती हैं। तभी होता क्या है कि उनके हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन वो आ जाते हैं। जॉर्ज पियर्सन पहले से ही बोल देते हैं कि मैं आज चाय नहीं पीऊँगा, तो उनकी वाइफ जो है वो बोलती हैं कि तुम्हें चाय नहीं पीनी, वैसे भी मैंने बनाई भी नहीं है एंड तुम्हें मिलेगी भी नहीं अगर तुम्हें एक्चुअल में चाहिए होती तो। तो वो भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसा बिहेवियर है, एंड ऊपर से वो स्प्राउट पी रही थी, यानी कि मिसेस पियर्सन वो स्प्राउट पी रही थी, तो वो और गुस्सा हो जाता है और वो उनसे लड़ने लग जाता है। वो थोड़े फ्रस्ट्रेट और अनोइंग हो जाते हैं ऊपर से वो, यानी कि जॉर्ज पियर्सन, और वो कहते हैं कि आज मैं क्लब जाऊंगा, मुझे चाय पीनी भी नहीं है। तो उनकी वाइफ मिसेस पियर्सन उनका मजाक उड़ा देती हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि तुम उस क्लब में जाते ही क्यों हो जहां पर तुम्हारा सब मजाक उड़ाते हैं, और ये जो तुम्हारा इतना बड़ा सा तोंद है, पेट है, तो इस पर लोग हंसेंगे ही ना, मजाक तो उड़ाएंगे ही ना। तो इस पर जो जॉर्ज पियर्सन है वो और भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाता। तो वो कहती हैं कि अपने बेटे से ही पूछ लो। तो जब वो अपने बेटे से पूछने लग जाते हैं तो जो सेरिल होता है वो अपना मुंह नीचे कर लेता है। इसका मतलब था कि सेरिल भी इस बात से एग्री करता था कि उसका फादर का मजाक उड़ा दिया जाता है। उसके बाद मिसेस पिट्ज़रलैंड आ जाती हैं जो कि एक्चुअल में मिसेस पियर्सन होती है। तो वो अपने घर में आके अपने फैमिली की हालत देखती हैं तो उनसे देखा नहीं जाता कि सब आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फिर से अपना बॉडी जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो मिसेस पिट्ज़रलैंड जो होती है वो कहती हैं कि मैं बॉडी तभी एक्सचेंज करूँगी जब तुम अपने फैमिली के सामने कमज़ोर नहीं पड़ोगी और सब कुछ स्ट्रिक्टली दोगी और अपने राइट्स के लिए खड़ी होगी। अगर तुम्हें रेस्पेक्ट मिलेगा तभी तुम काम करोगी, वरना नहीं करोगी। तो दोनों स्माइल करते हैं एक दूसरे के तरफ। तो एक्चुअल में जो मिसेस पियर्सन होती है वो कहती हैं कि ठीक है, अब हम अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं। और जब वो दोनों अपनी बॉडी एक्सचेंज कर रही होती हैं तब वो तीनों, यानी कि उनके हस्बैंड, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड और उनके दोनों बच्चे चले जाते हैं दूसरे रूम में और बातें करते हैं कि उनकी मदर को हो क्या गया है। तो बॉडी एक्सचेंज के बाद मिसेस पिट्ज़रलैंड अपने घर चली जाती हैं और मिसेस पियर्सन अपने। तो उसके बाद वो तीनों, यानी कि उनके हस्बैंड, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड और 2 बच्चे माफ़ी मांग लेते हैं और फिर वो एक दूसरे के तरफ देख के स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं कि चलो आज हम डिनर साथ साथ करते हैं और रमी का जो गेम होता है वो खेलते हैं। तो इस तरह स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता है और मिसेस पियर्सन भी खुश हो जाती हैं कि जो वो डिज़र्व करती हैं, जो रिस्पेक्ट और अटेंशन उनको मिलना चाहिए वो अब उनको अपने फैमिली से मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट, यहीं तक था हमारी स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।